आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमुस्तुते। माँ भगवती की आराधना करने वाले लोगों को देखिए, उनमें बहुत मानसिक और शारीरिक बल होता है। ये बहुत ही प्रचलित और प्रात्यक्षिक बात है कि जो माता की दुर्गा की आराधना करते हैं वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी ओजस्वी और बल के साथ जीते हैं, शक्तिमान होते हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ बधाइयाँ। जी बधाइयाँ, शुभ 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 दिवस। आज का शुक्रवार है 3 नवंबर 2023, चंद्रमा मिथुन राशि में देर रात तक, उसके बाद कर्क राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। नक्षत्र गुरु का पुनर्वसु अहोरात्र, थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर देंगे। शुक्र कन्या राशि में गए हुए थे कल से, मतलब भोर में ही गए होंगे, तो हम जानेंगे कि ऑल ओवर क्या असर हो रहा है शुक्र का। मेष राशि, शुक्र नीच के हो गए, अब इस बात का असर एक तो धन में कमी हो गई और साथ साथ आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो और व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश न हो, इसका भी ध्यान रखना है। परिवार जन नाराज ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। वृषभ राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र नीच के होंगे तो लोन्स वगैरह लेने में दिक्कतें होंगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यापार में दिक्कतें होंगी, मामा पक्ष के साथ परेशानी हो सकती है आपको, और बच्चों के साथ अनबन ना हो और उनके ऊपर आप धन खर्च करने का सोचें तो संभल के बहुत ज़्यादा डेप्ट में ना जाएं। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए अब शुक्र पंचमेश हैं, शुक्र द्वादशेश हैं, चतुर्थ में गए तो प्रेम संबंध आपके ज़्यादा काम करने की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से आपको उनको समय नहीं दे पा रहे, या आप ये भी समझ लीजिए कि आपके विदेश रिलेटेड काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा विलंब से हो रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड काम भी विलंब से हो रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। कर्क राशि, आपके लिए अब ये भी देखिए कि आप यात्रा पर निकले, बहुत ज़्यादा थकन है, माता की तबीयत खराब है, साथ साथ में आपको जिम्मेदारियां हैं कि केस विवाद भी सुलटाने हैं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम है, माँ की तबीयत का ध्यान रखें, प्रमुख ये है, बाकी सब होता रहेगा। सिंह राशि, आपके लिए अब देखें कि आपके कामों में आपको थोड़ा सा विलंब हो रहा है, यात्राएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत भाग दौड़ है और परिवार में बहुत पैसा देना है, छोटे भाई बहनों के साथ व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मत दीजिए, फिलहाल अपना संचित धन बना के रखिए। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए कि नए नए काम हो रहे थे वो थोड़े से अटक गए हैं, आप कहीं अटक गए हैं, आपका माइंड कहीं अटक गया है, आपके परिवारजनों से आपकी पट नहीं रही, आप बातचीत में कड़वे हो रहे हैं या ज़्यादा धन खर्चा हो रहा है आपके ऊपर, तो थोड़ा सा अपना हाथ रोके। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र अष्टमेश हैं, तबीयत संभालिए सबसे पहले, तबीयत खराब ना हो, खर्चे ना हो, तबीयत पर चिड़चिड़ापन ना आए, प्रेम संबंध खराब ना हो, पर्सनैलिटी बिगड़े ना हो, तो आप दुर्गा की आराधना कीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए प्रेम संबंध खराब ना हो, विवाहित जीवन अगर है और प्रेम संबंध नहीं है तो उसमें ना कोई प्रॉब्लम हो, व्यावसायिक पार्टनर से कोई प्रॉब्लम ना हो, अंधाधुंध खर्चे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। धनु राशि, आपके लिए अब देखिए आता धन रोकिए मत, केसेस विवाद में उलझे कम, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में ध्यान रखें और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें काम पर भी अंधाधुंध या लोन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट सोचना गलत है। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए मानसिक बेचैनी है, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं हैं, या आप काम के लिए गलत सोच रहे हैं क्योंकि आपको थकन हो रही है, क्योंकि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इसके लिए आप दुर्गा की काली की आराधना करें, ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए माता पक्ष की तबीयत खराब है, यात्रा पर निकलने के लिए आपको तरह तरह के जो है आयोजन करने पड़ रहे हैं, खर्चे बहुत हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत हैं, विवाहित जीवन से और व्यावसायिक पार्टनर से कलह क्लेश है और ससुराल पक्ष से भी कलह क्लेश है, बच के बचा के काम अपना आगे बढ़ाइए। मीन राशि,
आपको यात्रा में कोई परेशानी लगती है या ऐसा कुछ लगता है कि कुछ काम आपके तबीयत की वजह से रुक रहे हैं, तो रिलैक्स, आराम से। अभी तबीयत पर भी खर्चा हो सकता है, इसलिए पैसा बचा के रखें और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी ध्यान से रहें, उनकी भी तबीयत का ध्यान रखें। शुक्र का नीच का होना या अमित्र की राशि में जाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि शुक्र खुशी के स्वामी होते हैं, मानसिक आनंद के स्वामी होते हैं, और ऐसे में अगर शुक्र बिगड़ जाए तो बेचैनी हो जाती है माइंड में। अब ये बेचैनी को हटाने के लिए आपको 2 से 4 उपाय जो बहुत ही नॉर्मल से हैं, पैसे नहीं लगते जिसमें, वो करिए। एक तो आप खुद अप टू डेट रहिए, सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से अच्छा कपड़ा लगाइए, सेंट लगाइए, और घर में भी बैठना हो तो अच्छे से बैठिए, घर में साफ सफाई रखें, अपने कबर्ड्स वगैरह अच्छे से बना के रखें, कपड़े पैर के नीचे ना लें। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ शहर कार्यक्रम में। आइए हम जानते हैं किसी एक की समस्या का समाधान कैसे हो। आनंद जी गाजियाबाद से लिखते हैं, पैसा नहीं टिकता है, नंबर दिया है इन्होंने 66। आनंद जी बहुत बुरी बात है, सेविंग्स से एक बहुत बड़ा आपके लिए सहारा होती, सपोर्ट होती है मेंटल, और वैसे भी आपको काम ही आती है सेविंग। पैसा टिकना चाहिए, और आपका पैसा कैसे टिकेगा बताऊं? आपको राधा कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए, और एक प्रैक्टिकली खाता खोल दीजिए, जब पैसा आए उसमें से 10-20% निकाल के उस खाते में डाल दीजिए। हो गया जिनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर।